राम राम दर्शकों, ये वाला मेकअप सीखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे यू गाइस, दिस इज मीरा सिंह, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग हैप्पी। आप लोग थंबनेल और टाइटल पढ़ने के बाद यहाँ तक आए राइट? हो गई तुम्हारी शादी? मैं आपको सिखाती हूँ कि एक नई नवेली बहू को अगले दिन कैसे रेडी होना चाहिए एफर्टलेसली इन वेरी इजी स्टेप्स और विद वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी तुम्हारे मेकअप की कसम। हमें सबसे पहले लगानी है सनस्क्रीन। क्या लगानी है? और मैं यूज कर रही हूँ फिक्स डर्मा की शेडो SPF 50 प्लस क्रीम। सनस्क्रीन लगाने के कई फायदे हैं। देखो, पहले जमाने में ना औरतें सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, पर वो सूर्य देवता को जल चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी, उनकी पूजा करती थी। तुम करती हो? कब चढ़ाया तुमने सूर्य देवता को जल? नहीं चढ़ाया ना, तो चुपचाप सनस्क्रीन लगाओ अगर भस्म नहीं होना है तो। अच्छा, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो ये वीडियो है ये अरेंज मैरिज वाली लड़कियों के लिए है, लव मैरिज वालों की शहनाई में अलग से बजाऊंगी। ओके, तो इतने सनस्क्रीन स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है, इतने मैं पहन लेती हूँ अपनी चूड़ियाँ। न्यूली मैरिड की तरह तैयार होना है तो चूड़ियाँ तो पहननी है ना, तुम भी पहन लेना। कुछ भी हो जाए अगले दिन चूड़ियाँ जरूर पहन लेना, और अगर तुमने चूड़ा पहना हुआ है तो फिर गली मुक गई। उसके बाद ना अपना मंगलसूत्र ज़रूर पहन लेना, पति तो तुम्हें मिल ही गया है, मंगलसूत्र पति के साथ फ्री 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 में आता है। चाहे फिर तुम सारे साल मत पहनना, पर जब तक तुम्हारे रिश्तेदार नहीं चले जाते ना तब तक पहन लेना। और इसके बाद कानों में बड़े बड़े बूंदे या फिर झाले ज़रूर पहन लेना। अरे नई ब्याहता कैसे लगोगी भाई? अब असली मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले ना सुबह जल्दी उठ जाना। ये एक प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का मेकअप, रियल मेकअप बेस। इसको लगाए बिना अपने ना रूम से बाहर आ मत जाना। इसके बाद हम हमारी आईब्रोज को सेट करेंगे। तुम्हारा मूड कॉम्ब होना हो लेकिन तुम्हारी आईब्रोज कॉम्ब जरूर होनी चाहिए। और बहन बता दे जरा, मेकअप ना काफी नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाना 5 बजे। उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुम उनके उठने से पहले मेकअप कर चुकी होगी और वो तुम्हारा डार्क सर्कल और मुहासों भरा चेहरा देख करके डर नहीं जाएंगे। दूसरा फायदा बाद में बताऊंगी, पहले इधर ध्यान दो। कैरेक्टर लगाना अपनी आंखों के नीचे, क्योंकि कल रात जो तुम विदाई के टाइम रोई हो ना तो तुम्हारा मस्कारा सारा बह करके नीचे आ चुका है, और वो तुमने अभी अच्छे से ना क्लीनिंग करके निकाला भी नहीं होगा आई एम श्योर। सो और अगर तुम नहीं रोई थी अपनी विदाई पे तो आई एम श्योर वो तो तुम्हारी लव मैरिज थी। अगर आप अरेंज मैरिज वाली लड़कियाँ नहीं लव मैरिज वाली लड़कियाँ देख रहे हो तो यू कैन स्किप द वीडियो। और दूसरा फ़ायदा, जो तुम्हारी सास के तरफ के रिश्तेदार आए हुए हैं ना, उन्हें तुम्हारे बारे में बात बनाने का मौका नहीं मिलेगा, वरना खामा खाई ना पहला ही इंप्रेशन ख़राब कर लोगी। अरे बहन, तुम्हारी बहू तो 10 बजे सो करके उठती है, कैसे काम चलेगा? कैरेक्टर के बाद कंसीलर लेना, और जैसे अपनी ज़िंदगी के दुखों को तुम छुपाओगी ना, बिल्कुल उसी तरह इन धब्बों को भी छुपा देना। हमें बहुत हैवी मेकअप नहीं करना ये वाला, समझे ना? बहन तुम घर से बाहर नहीं जा रही हो किसी पार्टी में, लोग तुम्हें मिलने के लिए आ रहे हैं, वो इतने भी तुम्हें जज कर डालेंगे। तुम्हारी बहू ने तो बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी पोत रखी है, ज़रूर नीचे से कुछ और रंग होगा इसका। और ये सब कह करके वो आंटियाँ मौसियाँ ताइयाँ चाचियाँ अपना असली रंग दिखा रही होंगी, क्योंकि तुम अभी ये कोई स्टेज मेकअप नहीं हो रहा है, ये कोई फोटोग्राफिक मेकअप नहीं हो रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम रियल और प्रेजेंटेबल लगो एट द सेम टाइम, सो कॉल्ड रही बहू। यू कैन ऐड 1 skin tint इन योर वैनिटी, यू मस्ट ऐड। और अगर नहीं तो अपने फाउंडेशन से स्किन टिंट कैसे बनाना है आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। हम लेंगे थोड़ा सा फाउंडेशन जो तुम्हारे स्किन के कलर का है, अच्छे से पैलेट पे से वॉर्म करेंगे। मैं ये स्ट्रोब क्रीम आपको पहले बताई थी, उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे ऐसे, और
यू कैन ऐड योर मॉइस्चराइजर एज वेल, यहाँ पर इसकी जगह पर अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, और फिर हम इस फाउंडेशन को तुम्हारे इस के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। कल तो तुम्हारी मुँह आकर के तुम्हारा मेकअप करके चली गई थी, आज तुम्हें खुद करना है, समझी ना? तो ध्यान से देख लो मैं क्या बता रही हूँ, नेक को मत भूल जाना। देखो चलो तो फेस को अच्छे से ब्लेंड करते हैं और अगली सलाह पे चलते हैं। देखो मुझे लगता है तुम्हें ना साड़ी बांधना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में एक पहले से शादीशुदा बड़ी ननद है तो शी विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू, ओके? वो तुम्हारी साड़ी भी बंधवा देगी, मेकअप भी करवा देगी, तुम्हारा गजरा भी लगवा देगी और तुम्हें बता भी देगी ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे मत करो ऐसे करो। बट ऑन द ऑपोजिट साइड अगर तुम्हारी ननद कवारी है तो शी विल नॉट गोना माइंड हर ओन बिजनेस डूड, क्योंकि उसको भी तुम्हें ही रेडी करना है। भाभी मुझे रेडी नहीं करा, एक बार के लिए खाना मत बनाना सीखना पर साड़ी बांधना सीख लेना, क्योंकि खाना जोमेटो हो जाएगा, साड़ी नहीं कर पाओगी बहन। अभी ऐसा कोई ऐप बना नहीं है, कॉन्ट्रोल स्टिक लेंगे और बहुत ही थोड़ा थोड़ी कॉन्टोरिंग करेंगे, क्योंकि बहन कॉन्टोरिंग ना नज़दीक से दिखाई देती है और इस दिन सब लोग आकर के तुम्हारी मुंह दिखाई करने वाले हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाना है सिवाय संस्कारों के, कॉन्टोरिंग को इतने अच्छे से ब्लेंड करना है कि इसका कोई नामो निशान ना रह जाए। अब हम लगाएंगे गालों पर लाली, ठीक है? ब्लेंडर लेना है और इसको भी एकदम अच्छे से ब्लेंड कर देना है, और अगर तुम खुशी के मारे लाल हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब बारी आती है अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, समझे? तो तुम्हें अपनी आंखें सजानी है, आंखें मिलानी है तो आंखें सजानी भी पड़ेंगी, ठीक है? ओके, तो क्या करना है, ज़्यादा रंग लेकर के ना पूतना मत बन जाना, ठीक? तो क्या करना है, हल्का सा कोई भी एक पिगमेंट लाइट सा उठा करके और उसको अपनी ऑल ओवर द लिड ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर देना। लुक एट दिस, आप अपने चॉइस का कोई भी कलर उठा सकते हो, पिंक, मॉव, बस नीला, काला ये मत उठाना, ठीक है? नेक्स्ट डे स्मोकी मत बना के बैठना, ओके? क्योंकि आप एक नई नवेली दुल्हन हो तो आपको दिन भर कोई टचअप करने का टाइम तो मिलने वाला है नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे बगल में बैठे होंगे, तुम्हारी चूड़ी, तुम्हारी चुन्नी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी खुशबू, उसको उसके बारे में वो लड़कियाँ छोटी छोटी बैठ के बात करें, चाची कितनी सुंदर है ना, तो तुम्हें टचअप करने का कोई टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है? मामी आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो, उन्हें क्या पता कितनी बैंड बजी पड़ी। उसके बाद आप अपनी चॉइस का कोई भी एक शेयर उठा सकते हो, जैसे कि मैं सोच रही हूँ मैं ले लेती हूँ ये वाला एंड ये वाला, मैंने दो मिक्स कर लिए हैं, लुक एट दिस, ठीक है? अब मैं इसको सिर्फ हमें इतने की ही ज़रूरत है और मैं इसको हल्का हल्का अपनी आँख के ऊपर ऐसे कर दूँगी। तो ये वाला आई मेकअप है ना, ये तुम्हारे किसी भी अटायर पे, तुमने कुछ भी पहना ना, लाल, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, हरा, दिस आई मेकअप विल गो विद ईच एंड एवरी आउटफिट। टेक अ क्लोजर लुक, डार्क कलर का आई शेडो इस एंगुलर ब्रश में ऐसे लेना है, एक्यूरेट लाइनर लगाने का टाइम तो होगा नहीं, तो That day don't take black color because black is very unforgiving color, और अगर तुम्हारा एक स्ट्रोक भी गलत हो गया ना बहनों, बाहर सुराल वाले वेट करते रह जाएंगे और तुम अपने विंग को सुधारती रह जाओगी। And if you have a very good relationship with your eyeliners, then go ahead and एक अच्छा सा विंग eyeliner लगाना। मैं इस आई मेकअप को यहीं छोड़ने वाली हूँ और इसको कंप्लीट करूंगी एक अच्छे से मस्कारा से। बिफोर गोइंग फॉर द मस्कारा आई एम कर्लिंग माय लैशेस अ लिटिल बिट, लुक एट द डिफरेंस। अभी मैंने मस्कारा नहीं लगाया, मस्कारा अच्छा वाला खरीदना, अगर तुमने अच्छा वाला मस्कारा नहीं खरीदा देन इट विल ब्लीड एंड कम ऑन टू योर फेस और
दैट डजंट लुक गुड राइट। तो आप लोग प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नहीं करते हो? क्योंकि मैं हर एक प्रोडक्ट की डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर से डालती हूँ, ज़रूर से। क्योंकि मेकअप, मैं मेकअप करना बता दूँ और प्रोडक्ट ना बताऊँ वो एक आधी अधूरी चीज़ है। देखो, तुमने पवन चक्की देखी है? पवन चक्की का पंखा होता है ना, बड़ा वाला पंखा। कितने लोग मेकअप सीखने नहीं आए, सिर्फ मेरी बकबक सुनने आए हैं। मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हुआ। मैंने ना मस्कारा लगाने से पहले अपने पूरे कंसीलर्स को अच्छे से अपने इसको सेट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ लैकमे सन एक्सपर्ट। आप कोई भी एक अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ले सकते हो, और आपको कुछ पॉइंट्स ज़रूर दिमाग में रखने हैं कि तुम बदरिया ना लगो। सुबह उठ करके तैयार होकर अपनी सासू माँ के पैर छू लेना, उनसे चाय पूछ लेना, मंदिर में पूजा कर लेना। जब लोग डेली यूज़ में हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो हमें वो पार्टी हाइलाइटर यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि उससे फिर हमारा फेस बहुत चंकी और बहुत वो दिखने लगता है। पार्टिकल्स, उसके पाउडर पार्टिकल्स ज़रूर से दिखाई देते हैं, एंड दैट डजंट लुक गुड, ट्रस्ट मी। शेक करेंगे, थोड़ा दूर लेकर आएंगे, नज़दीक से मत करना वरना इतनी सारी मेहनत सब रियून हो जाती है। ओके, एंड 2-3 पम्प्स ओनली। ग्लॉसी लिप्स मत रखना इस दिन, मैट लिपस्टिक लगाना ताकि तुम्हें दिन भर टचअप ना करना पड़े। ओके, बट बिफोर दैट आई एम गोना आउटलाइन माय लिप्स। लिप्स को आउटलाइन करना इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम पार्टी मेकअप कर रहे हो या डेली मेकअप कर रहे हो या फिर तुम कोई मेकअप नहीं कर रहे हो, सिर्फ लिपस्टिक लगा रहे हो। लिप लाइनिंग के लिए कोई भी डार्क कलर्स लेने हैं तुम्हें, मैं ये वाला वाइन कलर ले रही हूँ। एंड नाउ लिप्स को ओवरलाइन मत करना प्लीज। दिस स्टेप गोज विदाउट सेइंग, ओके? सो एक चुटकी सिंदूर की कीमत सुरेश, रमेश, अभिषेक, राजेश, कोई समझे ना समझे, पर बहन कमलेश तुझे जरूर समझना पड़ेगा, समझे ना बिंदी। This also goes without saying, सूखा सिंदूर लगाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक अच्छा सा महंगा वाला परफ्यूम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो हेयर इज द फाइनल लुक, क्यों isn't it pretty? Effortless, easy, अगर तुम सही से फॉलो कर लो तो। पर कहाँ, तुम तो मेरी बकबक सुनने के लिए आई हो, एक भी स्टेप पे ध्यान दिया है तुमने? मेकअप करने सीखने, मेकअप सीखोगी, ध्यान देना चाहिए ना। नहीं ध्यान दिया तो जाओ पूरी वीडियो रिवाइंड करो, जाकर के शुरू से देख करके आओ। ओके गाइस, तो ये था आज का फाइनल लुक। ओके, आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डू सो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। और बकवास तो बहुत कर लेती हूँ मैं, आज की वीडियो में मैंने जो भी कुछ बकबक करी है, इट वॉज जस्ट अ जोक, आई वॉज जस्ट किडिंग अराउंड, एंड इट वॉज जस्ट यू नो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। ओके, अपने दिल पे मत लेना, अपने एवरी गर्ल इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड कम्प्लीट रिस्पॉन्सिबल, और आजकल की लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। यू कैन रॉक योर मैरिज, राइट?